हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आपका स्वागत है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम दो टेस्ट और तीन टी20 मुकाबलों के लिए भारत दौरे पर आने वाली है। पहले टेस्ट सीरीज खेली जाएगी जिसकी शुरुआत चेन्नई से होगी। बांग्लादेश ने हाल ही में पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में हराकर इतिहास रचा है। अब भारत दौरे पर वो ऐसा ही कुछ करना चाहती है। इसके लिए बांग्लादेशी खिलाड़ियों ने तैयारी शुरू कर दी है। भारत में टेस्ट सीरीज जो है वो एसजी गेंद से खेली जाती है, मतलब कि जो मैचेस होते हैं वो एसजी गेंद से खेले जाते हैं, जबकि बांग्लादेश अपने यहाँ पर कुकाबुरा गेंद का उपयोग करते हैं। पाकिस्तान भी अपने यहाँ पर जो है कुकाबुरा बॉल का इस्तेमाल करती है। एसजी और कुकाबुरा जो गेंद होती है उसमें काफ़ी अंतर होता है। बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ पहली बार टेस्ट खेलने के लिए अपनी तैयारी जो शुरू की है वो एसजी गेंद से अब शुरू की, यानी कि उनको लगता है कि वो यहाँ पर आकर जो है पाकिस्तान में जो उन्होंने झंडे गाड़े हैं वो टीम इंडिया के खिलाफ भी कर सकते हैं, इसलिए वो अपनी तो जो तैयारियां हैं उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत के नायक रहे लिटन दास ने कहा कि उनकी टीम एसजी गेंद को खेलने को लेकर आदी हो रही है। पाकिस्तान सीरीज से लौटने के बाद से ही खिलाड़ी इस गेंद से अभ्यास कर रहे हैं और उसकी तैयारियों में जुट गए हैं। लिटन ने बांग्लादेश के पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि भारत में अलग तरह की गेंद रहेगी, एसजी गेंद के सामने खेलना थोड़ा मुश्किल होता है। कुकाबुरा गेंद जब पुरानी हो जाती है तब उससे खेलना आसान रहता है। एसजी गेंद के साथ मामला उल्टा है, जब एसजी गेंद पुरानी होती है तो उस पर रन मुश्किल से बनते हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट सीरीज की शुरुआत 19 सितंबर से होगी। पहला मुकाबला चेन्नई में खेला जाएगा। इसके लिए भारतीय टेस्ट स्क्वाड का जो है अनाउंसमेंट हो चुका है। रोहित शर्मा की कप्तानी में 16 सदस्यीय मजबूत टीम चुनी गई है। बांग्लादेश का जो दल है उसका ऐलान अभी नहीं हुआ है। बताया जाता है कि 15 सितंबर को बांग्लादेशी खिलाड़ी भारत पहुंचेंगे। दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट 27 सितंबर से कानपुर में खेला जाएगा। इसके बाद 6 अक्टूबर से 3 मैच की टी20 सीरीज खेली जाएगी। बता दें कि टीम इंडिया अभी तक बांग्लादेश से कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारी है। दोनों पड़ोसियों के बीच में 2000-2001 से अभी तक 13 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं। इनमें से भारत ने 11 मैचेस जीते हैं जबकि 2 टेस्ट मैच ड्रॉ रहे थे। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए।